नमस्कार, एबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार में नगर निकाय चुनाव लगातार जारी है, इसी को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया जिला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मत दिया है। आपको बता दें, उन्होंने मतदान करने के बाद मीडिया से क्या कुछ बात की, आइए देखते हैं। अट्ठाईस करोड़ रुपया नगर निगम में उत्तर प्रदेश को मिला और हमारे बिहार को मिला 17 करोड़। ठीक है, आप होल्डिंग टैक्स के द्वारा, आप किसी भी टैक्सेस के द्वारा, आप नगर निगम के कर्मचारी काची लोग का जब बेईमान और चोर ऊपर में बैठे रहेंगे, ये पदाधिकारी लोग कंप्लीट भ्रष्ट होंगे और नौकर सा हाव भी रहेगा। सिस्टम ऊपर से झाड़ू देने की जरूरत है। अब ईमानदार मेयर और ईमानदार उप मेयर, जब आप 10 करोड़ रुपया खर्चा कीजिएगा तो ईमानदार कहाँ से होइएगा? वोट में जब आप जहरीली शराब, मैंने उस दिन भी कहा, नगर निगम नगर निकाय MLA MP के चुनाव में जहरीला शराब बनता है, शराब परोसे जाते हैं, तो शराब पी के और 10 करोड़ रुपया लगा करके आप बहुत ईमानदार नहीं हो सकते। पब्लिक भी पैसा लेती है, शराब पीती है और सिस्टम तो खैर भ्रष्ट है ही। तो आप जो ये सोचिएगा कोई परिवर्तन, MLA MP मंत्री नहीं है, मंत्री का कोई सुनता है हमको जरा बता दीजिए? कोई मिनिस्टर का कोई सुनता है? सेक्रेटरी जो चाहता है सो करता है, तो मेयर डिप्टी मेयर क्या कर लेंगे? आप पूरी फ्रीडम दीजिएगा डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तब ना। और आपका जो रियल इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट के कामों के लिए लगना चाहिए, उसमें तो लगता नहीं है, वो सब हम बंदर बात कर लेते हैं, सब लूट लेते हैं। तो मेरा बिल्कुल मान्यता साफ है, बहुत क्लियर है, पहले से भी क्लियर है, मैं क्लियर हूँ, ये कंट्री चोरों का, चरित्रहीनों का। तो आपने देखा वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने जनता से कहा है कि मतदान ही लोकतंत्र की ताकत है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।